अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज मैं बनाऊँगी इंस्टेंट चना पुलाव, कुकर में ही बनाऊँगी। एक्चुअली मैंने बनाना था देगी स्टाइल का चना पुलाव, जिसका मसाला अच्छा सा बना के करना था, लेकिन मेरे पास अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरा वर्किंग डे था और मैं स्कूल से अभी वापस आई हूँ, काफ़ी लेट हो गई हूँ, तो इसलिए बस मैं इसको इंस्टेंट फटाफट से बनाऊँगी। सबसे पहले हम पैन में ऑयल डालेंगे, ऑलिव ऑयल। ये ख़त्म हो गया, थोड़ा सा और अपने हिसाब के मुताबिक डालिएगा जितना ऑलिव ऑयल आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मैं एक्स्ट्रा डालूँगी। अच्छा, साथ ही इसमें मैं साबुत मसाले डालूँगी। ये थोड़ी सी दालचीनी है, इसमें एक बड़ी इलायची है और काली मिर्ची है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। एक चम्मच ज़ीरा हाथ पे मसल के, ठीक है, ये मैं इसके बीच में शामिल कर दूंगी। और साथ ही इसमें मैं सौंफ, जो मसाला बना के बनाना चाहती हैं उन्होंने सिंपल क्या करना है कि प्याज का मसाला बना के ये सारी चीज़ें उसके बीच में डालनी है, ठीक है। बस ये सिंपल हमने डाल दिया। साथ ही इसमें मैं ब्राउन प्याज भी शामिल कर दूंगी। हल्का सा इसको फ्राई करते हैं, फिर हम उसके बीच में साथ ही चने डाल देंगे। चावल मैंने 2 कप लिए थे, 2 कप मैंने भिगो के रखे हुए हैं। और ये थोड़ा सा साबुत धनिया, ये भी हम हाथ से क्रश करके ये भी इसमें डाल देंगे। मसाला हल्का सा खुशबू छोड़ेगा तो आप उसमें थोड़ा सा गूंदे पानी मिला दें ताकि वो जले ना। और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच भर के गरम मिर्ची डाल देंगे, ठीक है। साथ ही इसमें हम ये 1 अदद टमाटर है और ये हरी मिर्चें, ये भी डाल के इसको अच्छा सा भून लेंगे। मसाला नीचे नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपने सारे जीरा धनिया गरम मिर्चें सब साबुत मसाले डाले हैं, तो मसाला नीचे ना लगे। थोड़ी देर इसको मिक्स करते हैं और फिर हम ये थोड़े से चने में इसमें डालेंगे। बस इसको अच्छी तरीके से कुक करें, अच्छे तरीके से, क्या टाइम ही नहीं है मेरे पास, मैं तो कुक नहीं कर रही इतनी जल्दी। बस इसमें मैं अभी हिसाब के मुताबिक जो पानी डालना है वो पानी डाल के चावल डाल के कुकर लगा दूँगी। अच्छा, मेरे पास ये 3-4 कोफ्ते बचे रहे थे, मैं वो भी इसके बीच में डाल दूँगी। ग्रेवी उसकी नहीं डालूँगी, सिर्फ जो कोफ्ते हैं वो बीच में शामिल कर रही हूँ। मसाला उसका नहीं डाल रही क्योंकि उसके मसाले से तो चावल का टेस्ट चेंज हो जाए। सब कोफ्ते मैंने बीच में शामिल किए। मैंने ये वाले 4 कप चावल लिए, ये एक्चुअली में जो बड़े वाले कप का मेजरमेंट होता है उसका आधा मैंने पहले भी आपको बताया था, तो मैं ये 4 कप मैंने लिए, तो 4 कप ही मैं इसके बीच में पानी डालूँगी। चार ही मग्गे डाले हैं आपके सामने, बस हल्का सा इसको बॉयल आएगा तो मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। बिल्कुल हल्का सा बॉयल आएगा तो इसके बीच में हम चावल शामिल कर देंगे। साथ में इसके बनाऊंगी चपली कबाब और थोड़ा सा सैलड। नमक मैं डालना भूल गई थी, हसबे ज़रूरत मैं इसमें नमक शामिल करूंगी, 1.5 चम्मच चना फिर। बस इसका एक बॉयल आने तक हम वेट करेंगे, फिर साथ ही हम ये चावल इसके बीच में डाल देंगे, सिर्फ एक बॉयल आने तक। जैसे ही ये बॉयल होना शुरू होगा हम इसके बीच में चावल शामिल कर देंगे। ये देखिए चावलों को पानी में बॉयल आने लग गया है, ठीक है, बॉयल आ गया। चावल मैंने धो के पास रखे हुए थे, ये चावल मैं इसमें सारे शामिल कर दूंगी और बस हम इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे। मैं इन चावलों को निकालने के लिए भी कोई पानी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आपके सामने ही है, बिल्कुल आपने कोई पानी नहीं इस्तेमाल करना। पानी जो हमने डालना था वो हमने डाल दिया है। चावलों को बीच में ऐड करें,
नमक अगर आपको कम लगे तो इस टाइम पे ही अगर आप चखना चाहते हैं तो नमक चख लें। थोड़ा सा नमक मैं और डालूंगी और बस हम इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे। अगेन वही, जब सीटी बोलेगी तो 3 मिनट तक, ठीक है, जब प्रेशर कुकर चलेगा। सॉरी, सीटी तो नहीं बोलती यहाँ पे, जैसे ही प्रेशर कुकर चलेगा तो 3 मिनट तक हमने इसको नोट करना है, सिर्फ 3 मिनट, ठीक है। बस ये हम कर देते हैं, इसको मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ। वहाँ पर यहाँ पर मैं चपली कबाब तैयार करूँगी। ओके, चपली कबाब हम अगेन उसी तरह से बनाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल में डालूँगी सिर्फ पैन को ग्रीस करने के लिए, और फिर मैं इसमें चपली कबाब डाल के और इसको थोड़ी सी दम वाली आंच पे रख के, दम से थोड़ी सी तेज़ आंच पे रख के बस इसको स्टीम पे पकाऊंगी। और एंड पे अगर आप उसको डार्क कलर देना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने जितना डार्क कलर देना है आप उसको उतना डार्क कलर दे सकती हैं, ठीक है। सिंपल इसी तरीके से मैं हूँ जो हूँ वो चपली कबाब डालती जाऊंगी, ठीक है। आंच आपने नीचे स्लो रखनी है, ये देख लें इतनी आंच रखनी है, आधी से भी कम, ठीक है, बहुत स्लो, दम से जो थोड़ी सी तेज़ होती है बस उतनी आंच रखनी है। ये मैं लास्ट कबाब डाल रही हूँ आपके सामने और साथ ही मैं इसको जो है वो स्टीम पे दम कर दूंगी। आंच में थोड़ी सी और आहिस्ता कर रही हूँ इसकी, ठीक है, बस ये इस पर पकता रहेगा। प्रेशर कुकर भी हमारा चलने लगा है। ऑलराइट, कुकर हमारा चल पड़ा है, 3 मिनट हमने नोट कर लिया, बस 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। कबाब को मैं पलट दूँ, ठीक है, कबाब मैंने पलट लिए हैं। फिर से हम इसको जो है वो उसी तरीके से दम की आंच पे रख देते हैं ताकि दूसरी साइड को भी अच्छे से पक जाएंगे। ऑलराइट, 3 मिनट हमारी हो गई है, कुकर मैंने बंद कर दी है। आप इससे देख सकती हैं कि मैंने जो साइड पलटी थी वो वही साइड है और ये साइड अभी तैयार हुई है, और 3 से 4 मिनट लगते हैं एक साइड को भी तैयार होने में, और हमारा कुकर भी बंद हो गया है। अच्छा, कबाबों को आपने जितना डार्क कलर देना है ना, आप उस हिसाब से आप आंच तेज़ करके, क्योंकि ये पक चुकी हैं, आप उस हिसाब से आँच तेज़ करके इनके कलर को डार्क कर सकती हैं, ठीक है। ये 2 कबाब मेरे पहले के भी पड़े हुए थे, साथ ही मैंने सैलड भी तैयार कर लिया, प्याज और टमाटर का सिरका डाल के वो भी तैयार है। बस ये कबाब हो जाएं, चावल भी हमारे तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से, 20 मिनट्स में खाना तैयार हो गया, जिसमें मैंने चावल भी बनाए हैं, मैंने सलाद भी बनाया, मैंने अपने कबाब भी तैयार किए हैं। बी एफिशिएंट, अपने टाइम को बचाएं। मुझे पता है वर्किंग वूमेंस के लिए कितना मुश्किल होता है वक्त निकालना, तो मैं आप लोगों के लिए इसलिए इजी कर रही हूँ कि आप जल्दी से जल्दी चीज़ें बना सकें ताकि आपको ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड ना करना पड़े। वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में तो बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसलिए अपने टाइम को जो है वो मैनेज करना सीखें। और नमाज की पाबंदी प्लीज़ वो ज़रूर किया करें, क्योंकि नमाज आपके वक्त में बहुत बरकत डालता है, बहुत ज़्यादा बरकत डालता है। और वक्त की पाबंदी के लिए दुआ भी पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना, ये दुआ लाजमी पढ़ा करें, इससे वक्त में बहुत आप बरकत आती है। अगर आपको लगे जैसे 4 सुबह के टाइम होते हैं, घर में काम कर रही होती हैं, बच्चों को तैयार कर रही होती हैं, सबका खाना बना रही होती है, नाश्ते बना रही होती है, टिफ़िन पैक कर रही होती हैं, तो बहुत कम टाइम लगता है, ऐसे लगता है टाइम भाग रहा है। यकीन करें आप ये दुआ पढ़ना शुरू करेंगे, अल्लाह ताला ऐसी दुआ में आपके वक्त में बरकत डालेगा कि जैसे वक्त हम सा गया आपके लिए। तो ज़रूर दुआ पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूँगी दुआ, तो ज़रूर पढ़ा करें। और अपनी दुआओं में भी मुझे बहुत याद रखिएगा। डिश आउट करके मैं आपका फाइनल लुक सब चीज़ों की दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके सामने खोल रही हूँ। माशाल्लाह 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 सुभानअल्लाह माशाल्लाह, चावल हमारे ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं, बिल्कुल भी नीचे नहीं लगे हैं, बिल्कुल क्लियर एंड क्लीन माशाल्लाह। बस मैं इनको डिश आउट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह देख रहे हैं आप, बिल्कुल चावल खिले हुए हैं, बिल्कुल ड्राई हैं, बिल्कुल बिल्कुल ड्राई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ट्रेस करके देखती हूँ क्योंकि ये रेसिपी मैंने पहली बार बनाई है इस तरह का चना पुलाव।
माशाल्लाह, बिलीव मी बिल्कुल देगी टेस्ट है, 101% देगी टेस्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब मसाले इवन है, ना मिर्चें ज़्यादा है ना गरम मसाले का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को मेरी मेरा पेज मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।